आदाब आदाब आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? फिट है? क्या बात है आपकी? जरा मौसम आहिस्ता आहिस्ता बदलने की कोशिश करता है और फिर सर्दी कहती है नहीं अभी नहीं, फिर मौसम कहता है मैं जरा इधर से निकलने की कोशिश करूं, ये इधर से जरा बाईपास से, सर्दी कहती है नहीं अभी नहीं। लेकिन पाकिस्तान के बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां पे सर्दी का आहिस्ता आहिस्ता से जोर जो है वो टूटता जा रहा है और कुछ दिन के वक्त हल्का हल्का सा हमें महसूस होने लग गया है कि गर्मी नाम की भी एक चीज कभी हुआ करती थी, ईजाद हुई थी कभी, और वो एग्जिस्ट करती थी, वो एक रियलिटी थी। और गर्मी कहती नहीं मैं अभी जिंदा हूँ, मैं वैसे ही जरा करवट बदल के सो गई थी। सो जनाब, ये मौसमों के जो रंग है ना, ये खूबसूरत डाइवर्सिटी, ये हमारी बड़ी स्ट्रेंथ है, इसलिए कि ऐसे ऐसे मुल्क है साथियों दुनिया में, लोग तरस जाते हैं सूरज को। ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में जो ऐसे ऐसे मुल्कों में रहते हैं जो तरस जाते हैं बारिश को। और हम किस कदर खुश नसीब हैं कि कभी बारिश के होने की दुआएं कर रहे हैं, वो भी कबूल हो जाती हैं, फिर उसको रुकने की दुआएं कर रहे हैं, फिर वो भी कबूल होती हैं, फिर सर्दी भी है, गर्मी भी है, शदीद गर्मी भी है, शदीद सर्दी भी है। इस सारे हुस्न को हमने सेलिब्रेट करना है, इसको इंजॉय करना है। यकीनी तौर पे इंसान थक जाता है सर्दी को बर्दाश्त करते करते या गर्मी को बर्दाश्त करते करते, और एक वक्त आता है आप कहते हैं अरे भाई बस, लेकिन इस बस में हुस्न भी है, तो इसको इंजॉय करने की कोशिश करें। मैंने देखा है कुछ लोग फेसबुक पे, मैं देख रहा था, या व्हाट्सएप पे भी इस कदर नागवारी का मौसमों के ऊपर इजहार कर रहे होते हैं कि मैं हैरान होता हूँ कि ये कहीं नाशुक्री के जुमरे में ना आ जाए। इसलिए कि जब आप सर्दी को इतना बुरा भला कहेंगे तो सर्दी अगर नाराज हो गई ना तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, ये आपने जहन में रखना है। इसलिए इन मौसमों की शिद्दत को, इसको भी हमने सेलिब्रेट करना है, जिस तरह हम अपने मुल्क की दूसरी डाइवर्सिटी की चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, इसके इसके कल्चर के मुख्तलिफ रंग, इसके म्यूज़िक के मुख्तलिफ रंग, इसके मज़ाहिब के मुख्तलिफ रंग, तरह तरह के मज़ाहिब के लोग यहाँ रहते हैं, तरह तरह की ज़बानें बोलने वाले लोग रहते हैं, बिल्कुल इसी तरह से उनको हम एम्ब्रेस करते हैं, उनको हम इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से मौसमों पर भी ज़रा हाथ हमने हौला रखना है। वैसे बाय द वे, इसी से रिलेटेड आज हमने थोड़ी सी गुफ्तगू भी करनी, इसलिए कि माइनॉरिटी राइट्स के एक्टिविस्ट रॉस मेहतानी आज मेरे साथ होंगे, और बहुत अरसे से जब हमने बिल्कुल नया नया इंसानी हकूक के हवाले से, मीडिया के हवाले से बात करनी शुरू की, तो एक बहुत बड़ा मसला पाकिस्तान का साथियों था कि हमारी जो हिंदू कम्युनिटी है पाकिस्तान में, जो हमारे हिंदू बहन भाई रहते हैं, उनका कोई मैरिज का कानून नहीं था। यानी अगर एक हिंदू लड़के और लड़की की शादी होती थी तो वो किसी रिकॉर्ड में नहीं आती, किसी खाते में नहीं आती, जिस तरह मुसलमानों का निकाह नामा होता है, इस तरह हिंदू मैरिज का कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं था। फिर बहुत अरसे की कोशिशों के बाद 2016 में सिंध की पार्लियामेंट ने और नेशनल पार्लियामेंट ने इसको एक्ट बनाया है। लेकिन आज हम रॉस से पूछेंगे कि इसके इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या क्या मसाइल और इसके फवायद क्या क्या होंगे। सो इस हवाले से हमने थोड़ी सी बात करी, एंड ऑफकोर्स हमारी बड़ी जबरदस्त चाइल्ड मैरिज के हवाले से बात करने की एक बहुत स्ट्रॉन्ग आवाज अमरीन अजायब भी आज हमारे साथ होंगी। चाइल्ड मैरिज, अरे ये तौसीक साहब ने सुबह सुबह क्या लफ्ज इस्तेमाल किया, चाइल्ड मैरिज नाम की भी कोई चीज होती है? जी हाँ, बिल्कुल होती है, बहुत कम होता जा रहा है इसका रेशो, लेकिन आज भी पाकिस्तान जैसे और भी ममालिक में, लेकिन पाकिस्तान में भी ये मैं तो कहूंगा कि एक दुख की बात है कि बच्चों की शादियां कर दी जाती हैं। आज इस हवाले से हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे और हम ये बताएंगे कि आप इस सिलसिले में इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। सो ये बड़े इंटरेस्टिंग सी कुछ बातें हैं जो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज बैन अल-अक़वामी सतह पर साइंस में लड़कियों और ख़वातीन की कॉन्ट्रीब्यूशन का दिन मनाया जा रहा है, जिस हवाले से मेरी क्लास फेलो हनानता हमारे साथ होंगे, और हनानता कुछ रिसर्च करके 3-4 ऐसी ख़वातीन का प्रोफाइल हमारे सामने लेकर आ रही हैं जिन्होंने साइंस की दुनिया में ऐसे इनक्रेडिबल काम किए कि आज हम इस एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के दौर में सांस ले रहे हैं, एंड ऑफकोर्स अब्दुल्ला भाई तो होंगे ही। सो ये सब है आज के ब्रेकफास्ट एट होम में हमारे पास आपके लिए, बट लेट्स स्टार्ट विद डॉक्टर तहमीना, डॉक्टर नहीं सॉरी ट्रेनर, गुड मॉर्निंग तहमीना, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, और पेशेंट ट्रेनर काशिफ भाई, आज मेरे आप सही फरमा रहे हैं, अल्फाज जो है ना वो सबान का साथ नहीं दे रहे। सो आज तो सही डॉक्टर वाला माहौल है तहमीना, आज बस इसी तरह ही हो गया, डॉक्टर वाला ही काम हो गया, और काशिफ की आज तबीयत कुछ साफ ही है, तो मैं पेशेंट इनका। अच्छा, मैं सर्दी जाते जाते जैसे कि मैं कह रहा था ना, अपना आप दिखा रही है। सो अमूमन एक तासुर ये है कि बस तो सर्दी अब चली गई, फरवरी का मिड तकरीबन आ गया, सर्दी चली गई, ऐसा नहीं है,
आप भी हमने अपने आप को केयरफुल रखना है जी। तमीना जाते जाते जो है जाते जाते जो सर्दी जाती जाती है वो ज़्यादा बीमार करती है, तो उसमें आपने एक्स्ट्रा केयर करनी है। केयरलेस नहीं होना है कि सर्दी जा रही है, मौसम अच्छा हो रहा है, हाफ बाजू शर्ट्स पहन ली और जिम में जैकेट के बगैर चले गए, हवा लगने के चांसेस होते हैं। ये कहने के साथ ही आज का वर्कआउट शुरू करते हैं। अच्छा, आज जैसा कि हमारे नाज़रीन देख सकते हैं कि हमारे पास चेयर्स हैं। अच्छा, ये वर्कआउट हम थोड़ा सा आपको बता दें, वैसे तो फुल बॉडी वर्कआउट है लेकिन उन लोगों के लिए है जो कि वेट्स यानी डंबल्स वगैरह या वेट्स उठाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ वो बॉडी वेट या घर पर एक्सरसाइज करें, तो वो लोग चेयर पर या घर पर किसी भी सोफा पे ये वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये मर्द और खावतीन दोनों के लिए है, तमाम अफराद के लिए। जी, तमाम अफराद के लिए, ठीक है। अच्छा, वार्म अप जैसे आपने कोई भी स्किप रोप की है, रनिंग, जॉगिंग, जंपिंग जैक्स कर ली, स्ट्रेचेस कर लें, हाँ जी, शुरू करें। उसके बाद हमने चेयर रखी, काशिफ आप आगे आएंगे, हमने एक्सरसाइज शुरू की। अच्छा जी, आपने चेयर ये सामने रखी है, पहले हम करेंगे स्क्वाट जंप जी, शुरू करें एंड देन वी विल स्टेप, ठीक है। तो आपने करना क्या, सामने आप खड़े होंगे, ये आपने स्क्वाट जंप की, उसके बाद ये साइड टाइप करना है, ठीक है। ठीक है, अभी ये बेसिकली जब आप जंप पहले स्लो करके दिखा देते हैं, देन हम उसको टेम्पो में भी पता चल जाएगा। ये किया, टैप टैप, ठीक है, उसके बाद अगेन टैप जंप टैप टैप। अगर आपने स्टैंडिंग में नहीं हो रहा आपसे, आप थोड़ा सा बेंड हो जाएंगे। इसको हम वार्म अप कहेंगे या एक्चुअल एक्सरसाइज? नहीं, एक्चुअल एक्सरसाइज, ठीक है। जब आप रूटीन में कर रहे हैं तो एक तो ये आपने ध्यान रखना है कि जैसे आपने स्क्वाट जंप की है तो आपने खड़े होकर टैप नहीं करना, सर्किट में भी कर सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगली एक्सरसाइज काशिफ, हम चेयर्स मोड़ेंगे इस तरह से, बिल्कुल। अच्छा जी, सॉरी। अच्छा, हमने पुशअप करना है और उसके बाद बर्पी, तो हम इस पोजीशन में आएंगे ताकि हमारी, नहीं काशिफ आप भी करें, करें मैं बताता हूँ। अच्छा, ये आपने पुशअप किया, बर्पी, बैक पुशअप एंड बैक, उसके बाद ये। अच्छा, सीट जो है मतलब जैसे आपके पास अगर वाइड है, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे बड़ा सोफ़ा है, जैसा तौसीक बैठे हैं, इस तरह का घर पे कोई सोफ़ा है या चेयर है, आप बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर छोटी चेयर है इस तरह की तो उसमें थोड़ा सा ग्रिप का मसला होगा। ये 10 रेपिटेशंस आप, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, जब भी आप कुर्सी, सोफा, मेज, किसी भी चीज के साथ अगर वर्जिश कर रहे हैं तो उसकी सपोर्ट होना दीवार के साथ या कोई भी पकड़ के रखे, दीवार के साथ या किसी दूसरे साथी के साथ होके, जिस तरह काशिफ ने उसको होल्ड किया था और तहमीना कर रही थी, इस तरह होना जरूरी है। अगर आप घर में अकेले हैं और इस तरह की एक्सरसाइज से थोड़ा सा इज्तनाब इसलिए कीजिए कि खुदा ना खास्ता अगर कोई इंजरी हो जाती है तो आप घर में अकेले हैं। सो कोशिश करें कि अगर आपका पार्टनर एक्सरसाइज नहीं भी कर रहा तो आपने यू नो बड़े भाई को या बहन को कह दिया कि अच्छा ये कुर्सी पकड़े जरा, ताकि कोई आपको सपोर्ट मिल जाए। बस मेक श्योर के दीवार के साथ कुर्सी लगी हुई हो तो आपको टेंशन लेने की, जैसे ये आपका फ्लोर है, हमारा फ्लोर ऐसे स्लिप हो सकता है, तो हम इसको दोबारा से ट्विस्ट कर देंगे वापस अपनी जगह पे जी। अच्छा, अभी हमने करना क्या है कि जैसे आप ये बैठेंगे, उसके बाद देन यू विल डू साइड लंज, ये ठीक है, हम जरा अपना एंगल थोड़ा सा ठीक कर रहे हैं, उसके बाद हम आपको स्लो मोशन में दिखा रहे हैं, लेकिन आपने वेरी इंपॉर्टेंट, यस, ये सेम लेग्स, उसके बाद अगेन यू सिट डाउन एंड साइड लंज। अच्छा, ये काशिफ भी बल्कि अगर करें, क्योंकि हम थोड़ा सा आपको क्लियर बता देंगे। अच्छा, काशिफ सेंटर में रहिएगा। अच्छा, जैसे काशिफ की अभी पोजीशन देखेंगे, एक टांग पे यानी स्प्लिट स्क्वाट जिसको बोलते हैं, वन लेग पे स्ट्रेच करना है, बिल्कुल वापस आना है जी, तो आपने बिल्कुल कंट्रोल फॉर्म में करना है, बिल्कुल सही बैलेंस में। तो ये बहुत स्लो है और बहुत कोर इन्वॉल्व है, बैलेंस इसमें बहुत जरूरी है, कम सॉफ्ट नहीं भाई, इट्स नॉट इजी, स्पेशली कम बिल्कुल सॉफ्ट नहीं, ये बहुत डिफिकल्ट है। और फिर उसी लेग पे जो कि आपने लिफ्ट की हुई थी, आप दूसरी साइड पे जाते हैं एंड देन फिर आप एक्सरसाइज, और अगर एडवांस लेवल पे हैं तो आप इसको कर सकते हैं, हाथ ऐसे ऑल द वे डाउन, ये बहुत मुश्किल रेंज ऑफ मोशन जी, ऑल द वे बैक, ओ वाओ, ऑल द वे डाउन मेंटेन करना है, और इसको ये बहुत एडवांस है जो कि काशिफ ने बताई है, ठीक है। जो लोग एडवांस है वो ये कर सकते हैं कुर्सी हटा के। अच्छा काशिफ, इसमें अगर आप जंप्स भी बता दें बजाय हम दोनों करें, जैसे आप इसको अगर जी मैं पकड़ता हूं, आप डेमोंस्ट्रेशन दीजिए, ये जैसे आप स्लो मोशन में देखिए, तमीना की वाइड रेंज है, मैं चाहता हूं कि ये क्लोज ग्रिप में बताते हैं, समटाइम्स हम लोग क्लोज ग्रिप में बताते हैं तो वो बेसिकली इतना करीब होते हैं जिसमें 90 डिग्री एंगल्स क्लोज होता है जी। अब इसमें वेरिएशन और वैरायटी की बात है, जब क्लोज होंगे उतना मुश्किल होगा, जितना वाइड होंगे उतना मुश्किल होगा, जितना वाइड होंगे जितना वाइड होगा और रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाएगी, बिल्कुल। अच्छा, ये काशिफ को करवाने का एक्सरसाइज का मकसद ये है
कि करने को हम दोनों कर सकते हैं, लेकिन चूंकि इसकी हाइट है, अब जैसे काशिफ की हाइट बड़ी है, जो घर में लोग स्टेप पे या किसी बेंच पे कर रहे होंगे, तो अगर बहुत ऊंची होगी तो रिस्की है कि आप नीज को इंजर कर दें। सीढ़ी के पहले पहली सीढ़ी पे भी कर सकते हैं। परफेक्ट है वो, बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैंने इसलिए काशिफ को आप लोगों को बताने के लिए कहा है कि भाई मेरे लिए थोड़ा सा वो हो जाता है, ठीक है। हाइट का बहुत ख्याल रखना ना आपने, जब भी ऐसी एक्सरसाइजेस करें जिसमें रेंज ऑफ मोशन शामिल हो, जिसमें एंगल्स शामिल हो, उसमें अपने आपने हाइट के अकॉर्डिंग लगाना होता है। जैसे मिसाल की एग्जांपल दूँ, एक एक्सरसाइज है वुड चॉपर। वुड चॉपर बेसिकली आपके रिब केज और वेस्ट को ट्रेन करने के लिए होती है, लकड़ी का कुल्हाड़ा जी, पुली होती है बेसिकली, उसको यूं पकड़ के हम यूं करते हैं। वो मैं लेके आऊँगा किसी अगले सेगमेंट में एक्सरसाइज प्रॉपर बताने के लिए। तो होता ये कि मेरी जो रिब केज है उसके इक्वल मैंने पुली को एडजस्ट करना है, और तहमीना अपने रिब केज के इक्वली उसको डाउन करेंगे। तो हाइट का बहुत किरदार होता है, इसलिए इसकी जरा हाइट है तो इस पर मैंने किया। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हमारी लास्ट टू एक्सरसाइजेज जो है वो मैं आपको डेमो दे देती हूँ। अच्छा, ये चेयर छोटी ही जैसे है तो आप क्लोज ग्रिप भी कर सकते हैं, वाइड भी कर सकते हैं। एक तो आपने करना है ट्राइसेप डिप्स, ठीक है, यानी आपके आर्म्स के लिए। ये 10 रेपिटेशंस आपने किए हैं। उसके बाद जो लास्ट एक्सरसाइज है वो आप नीचे लेटेंगे, पाँव आपने ऊपर रखे इस तरह से, ठीक है। अब आप लेटे हैं एंड देन यू कम ऑल द वे, आप ये तो ये आपकी ऐप की एक्सरसाइज होगी। ये जो एडवांस है वो रेपिटेशंस बढ़ा सकते हैं। लास्ट टू एक्सरसाइजेस काशिफ हमें परफॉर्म करके दिखाएंगे। तमीना जरा हाथ रखेंगे प्लीज। काशिफ मैं इसको बिल्कुल पीछे कर दूं थोड़ा, ठीक है। अच्छा, आपने बिल्कुल बेंच कुर्सी टेबल के बिल्कुल एज पे आना है, आपने कमर को सीधा रखना है और यहाँ से इसको पकड़ना है। अगर इसकी चौड़ाई ज्यादा है, टेबल है, तो आपने यूं पकड़ लेना बेसिकली। अगर टेबल है, जिस तरह के टेबल पे तौसीक भाई बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपकी अंडर हैंड ग्रिप होगी। अगर कुर्सी टेबल है तो आपकी ऐसे ग्रिप हो जाएगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब जो टांगों का जो गैप है 90 डिग्रीज एंगल है, बैक स्ट्रेट है, गर्दन को सामने देखना है आपने, और टेंशन रखनी है बाजू पे। देखें, मैंने पूरा वजन जो अपने बाजू पे ले लिया, ट्राइसेप फ्लेक्स हुए हैं ऑल द वे डाउन, फुल रेंज ऑफ मोशन ऑल द वे। अच्छा, बस इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि चूंकि ये ट्राइसेप की एक्सरसाइज है, यानी ये जो पार्ट है आपका ट्राइसेप नजर आ रहा होगा आपको, तो अक्सर लोग जो है ना वो जब उठते हैं तो वो आपके लोअर बॉडी से उठते हैं, यानी आर्म्स का, तो यानी पूरा वजन जो है वो बाजुओं पे, बाजुओं पे, खास तौर पे आपका कनेक्शन माइंड मसल कनेक्शन ट्राइसेप का होना चाहिए। तो वो फिर आप स्ट्रेट करना चाहें तो आप लेग स्ट्रेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे काशिफ ने बताया वैसे ही आपने आर्म्स के उस पर उठना है। ये नहीं करना कि आप जो है ना मतलब इसी तरह से जाविये की कहानी, जो जाविया है 90 डिग्री का, वो यहाँ पे भी होती है। हर एक्सरसाइज में जाविया शामिल है, जिसमें जाविया शामिल नहीं है उसमें काम ख़राब है। तो आपने बैक स्ट्रेट, रिप केज अप, कोर नाइस एंड टाइट, ऊपर देखना है फुल रेंज पे। आप चाहें तो अपने टोस पे भी हाथ लगा सकते हैं, चाहे अगर टोस पे हाथ नहीं लग रहे तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, इसलिए कि ये प्रैक्टिस के साथ आता है। हम आपको साथ साथ बताते रहते हैं कि काशिफ और तहमीना दोनों क्योंकि प्रोफेशनल्स हैं तो बहुत सी एक्सरसाइजेस ये बहुत आसानी से कर जाते हैं। जी जी, तो हम करने लगे तो शायद मोटिफिकेशन हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आखिरी बात मैं कहता चलूँ आपको कि कहानी सारी जो है वो ये है, ऊपर आने की नहीं, झटका देने की नहीं, कहानी ये है कि इसको स्क्वीज करना है आपने, एब्डोमिनल के मसल्स जो हैं इनका कॉन्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे आर्च बनेगा, यहाँ गैप आएगा, अब ऊपर वाला हिस्सा कमर का उठेगा तो ये जमीन के साथ लग जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। कहानी सारी ये है, कहानी ये नहीं कि आपने ऊपर उठने की कोशिश करनी है। वो काफी सारे लोग जो है ना वो नेक के पीछे से यूं झटका लेके उठने की कोशिश करते हैं। जितनी सारी हमने एक्सरसाइजेज आपको बताई हैं, जैसे कि बताया वैसे तो हर कोई कर सकता है, लेकिन जो लोग जिम नहीं जा सकते हैं, घर पे वर्कआउट करना चाहते हैं, मर्द है या खवातीन है, सारे के सारे कर सकते हैं। आप मॉडिफिकेशंस भी बीच में से निकाल सकते हैं, जैसे काशिफ आपको बार बार चीज़ों का थोड़ा सा जो भी थोड़ा इजी वर्जन में आपको बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं समझ आती है तो हमारे पेज पे आप दोबारा हम दोनों से पूछ सकते हैं कि भाई वो कैसे करना है। इसके ड्रिल के हवाले से बता दिया जाते हैं कितने सेट्स, कितने रेस्ट, यू कैन डू 3 मिनिमम, 3 सेट करेंगे, 4, 5, 6 और रेपिटेशंस भी अपनी मर्जी से आप बढ़ा सकते हैं स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, अपनी सेहत, अपनी तबीयत के मुताबिक। एग्जैक्टली, हमें नायला फारूकी साहिबा है कराची से, उन्होंने इनबॉक्स किया और नायला ने आपके सेगमेंट की बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा है कि मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाहती हूँ जो मैंने और मेरी कुछ फ्रेंड्स ने इस चीज को अप्लाई किया है, ब्रेकफास्ट एट होम के इस ट्रेनिंग के सेशन को, और उन्होंने हमें बताया कि अगर आप चाहें तो लोगों तक भी बात पहुंचाएं ताकि अगर इसको कोई और भी अप्लाई करना चाहे। और नायला और उनकी कुछ फ्रेंड्स ने ये किया है कि वो सुबह हमारे शो में जो एक्सरसाइज होती हैं उसको देखती हैं, और नायला कहती हैं कि मैं अपने मोबाइल फ़ोन पे स्क्रीन के सामने ऐसे आपका सेगमेंट यूँ रिकॉर्ड कर लेती हूँ, साथ साथ बच्चों की तैयारी, मियाँ तैयार हो रहे हैं वो सब लोग जो गए,
और नाला कहती है क्योंकि मैं कोई जॉब नहीं करती और मैं दिन में जिम जाती हूँ, तो हमारी साथ जिम की खवातीन का एक ग्रुप है, हम साथ के साथ सुबह आपका प्रोग्राम से वो टिप्स लेते हैं और फिर जब हम 10-11 बजे जिम में मिलते हैं उस वक्त फिर हम वो सारी एक्सरसाइजेस मिलके करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं जो हमें काशिफ और तहमीना सिखाते हैं। सो आई थिंक नायला ने हमें अच्छा किया ये बताया। आप भी खवातीन अगर आप समझती हैं कि अरे नहीं अब अकेले कैसे हो सकते हैं, तो इस तरह के आप हेल्थ और फिटनेस के आपस में फ्रेंड्स के ग्रुप्स बना सकते हैं। बहुत सारे पैगाम आ रहे हैं खवातीन के, वो वर्जिश करते हुए बता रहे हैं, वर्जिश करते हुए खातून ने अपने घर के अंदर वर्जिश करते हुए तहमीना और काशिफ को फॉलो करते हुए अपनी वीडियो अपनी बेटी के साथ उसने बनाई, उन्होंने करके भेजी और बड़ी मोटिवेशन के देखें हम तहमीना से इंस्पायर हुए और हमने घर में अपनी एक्सरसाइज शुरू की है। सो वी आर रियली हैप्पी, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग इतना रिलीजियसली फॉलो करते हैं। और जो वो खवातीन जो कि जो ग्रुप्स इस तरह से नहीं बना सकती, घर में एक्सरसाइज करना मुमकिन है। देखिए मिसाल के तौर पर आज की एक्सरसाइज थी, तहमीना और काशिफ ने कोई डंबल्स कोई इक्विपमेंट यूज नहीं किया, तो एक्सरसाइज के लफ्ज के साथ फौरी तौर पे हम खाइफ हो जाते हैं कि शायद हमें बड़े बड़े वजन उठाने पड़ेंगे, हमें जनाब जिम की मशीनों के साथ खेलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये जिंदगी गुजारने का एक अंदाज है जो आपने अपनाना है। बिल्कुल ऐसे बात ग्रेट ट्रेनर तहमीना, ट्रेनर काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हम लेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर या ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरी क्लास फेलो हनांता मेरे साथ हैं। हनांता आपको पता है कितने मजे की तैयारी करके आती है, आज भी कुछ खवातीन साइंसदानों के हवाले से उनके पास एक प्रेजेंटेशन, रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे हम पीटीवी न्यूज, पीटीवी होम और पीटीवी ग्लोबल के नाजरीन। इस वक्त मुझे मालूम है किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और इंतजार हो रहा है आज हनांता का। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके हनांता? ठीक, बिल्कुल ठीक, गुड गुड। आज क्या टॉपिक है आपका? आज का टॉपिक है वुमेन इन साइंस। वुमेन इन साइंस यानी साइंस की दुनिया में वो खवातीन जिन्होंने कुछ बहुत बड़ा सा काम किया। वैसे तो इसकी बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हनांता मेरे ख्याल है चार खवातीन की आज हमारे साथ बात करने चले हैं। चलिए जनाब शुरू करते हैं। आज मैं आपको चार साइंसदान का बताऊंगी जो थी साइंसदान। वेरी गुड। एक का नाम है मैरी क्यूरी, वो पैदा हुई थी पोलैंड में। मैरी क्यूरी की तस्वीर दिखाएं जी। बिल्कुल, ये है मैरी क्यूरी। मैरी क्यूरी पैदा हुई थी पोलैंड में और उसको पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था। उसने स्कूल तक तो पढ़ा था, लेकिन पोलैंड वाले ना यूनि नहीं पढ़ने देते थे गर्ल्स को यूनिवर्सिटी जाने नहीं देते थे पोलैंड में ना उस जमाने में। बिल्कुल ठीक। फिर गर्ल्स के लिए तो जरूरी है ना पढ़ना, क्योंकि जब वो बड़ी होके मामा बनेंगी और उनके बच्चे आएंगे तो फिर क्या सिखाएंगी बच्चों को, है ना? ओह यस, बड़ा जबरदस्त पॉइंट हनांता ने हमें बताया कि जब बच्चे होंगे उनके, जब वो मामा बन जाएंगी तो खुद अगर पढ़ी हुई नहीं होंगी तो बच्चों को क्या सिखाएंगी। बिल्कुल, इसलिए जरूरी था यूनिवर्सिटी जाना। बिल्कुल ठीक हो गया। फिर अब मैं आपको बता और नहीं और फिर वो पढ़ने के लिए फ्रांस चली गई थी, वहाँ पर पढ़ती थी। अच्छा, मैरी क्यूरी जी। और आपको पता है कि मैरी क्यूरी ना फर्स्ट गर्ल है जिसको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज मिला था, पहली खातून मैरी क्यूरी हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला ऑन साइंस। वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैं आपको बताती हूँ एडा लवलेस का। जरा आप दिखाएं ना पिक्चर एडा लवलेस की। जरा दिखाएं ना जी पिक्चर, वो देखें जी, जरा देखें। ये है एडा लवलेस। एडा लवलेस पैदा हुई थी इंग्लैंड में। और आपको पता है एडा लवलेस के बाबा ना एक पोएट थे। अच्छा। पोएट होता है एक पोएम, एक बंदा जो पोइम राइट करता है। अच्छा, पोइट वो होता है जी एक बंदा जो पोइम राइट करता है। सब लोग नोट कर लें। बिल्कुल ठीक है। और एडा लवलेस ना लव करती थी मैथ को। मैं भी मैथ को बहुत लव करती हूँ। आपको मैथ पसंद है जी?
मुझे तो जरा मुश्किल लगता था हनांता जब मैं मैथ्स पढ़ता था। आसान होता है? आसान होता है, आप फिंगर पे काम कर लेंगे, जो नंबर नहीं आएगा या लाइन बनाने के सिंपल बन जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं ना उस वक्त समझ आई थी कि फिंगर्स पे कैसे काउंट करते हैं, तो मैं तो 1 2 3 4 5 के बाद मैं कहता था 6 7 8 कहाँ लेके जाऊँ, तो मुझे गिनती फिर 5 तक ही आई। फिर मैं 6 के लिए इधर आता था, 7 8 9 10, फिर मैं 11 कहाँ जाऊँ, यहाँ पे आ सकता हूँ। 11 लाइंस बना देना, 11 लाइंस भी बना सकते हैं हम जी, और या इन पे भी काउंट कर सकते हैं, ये जो ब्लॉक्स हैं, ये जो ब्लॉक्स आपकी उंगलियों पे बने हुए इन पे भी बच्चों आप काउंट कर सकते हैं। वेरी गुड हनांता, बस ये मुझे उस वक्त कोई बताने वाला नहीं था ना, तो मेरी गिनती 10 से आगे गई नहीं। अच्छा जी, एडा लवलेस की हम बात कर रहे हैं। एडा लवलेस पता है क्यों है साइंसदान? क्योंकि उस वो ना उसने फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया था। अच्छा, वेरी गुड। इनका ताल्लुक इंग्लैंड से था जैसा आपने हमें बताया। जी बिल्कुल। अब मैं आपको बताती हूँ रोजालिन फ्रैंकलिन का। रोजालिन फ्रैंकलिन ये है। रोजालिन फ्रैंकलिन, अच्छा ये कौन थी जी? ये है रोजालिन फ्रैंकलिन, ये पैदा हुई थी इंग्लैंड में, और ये पैदा हुई थी इंग्लैंड में, और ये ना एक केमिस्ट है। अच्छा, इन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी और केमिस्ट बनी। और उन्होंने ना फर्स्ट पिक्चर ली थी डीएनए की। डीएनए की? डीएनए क्या होता है? डीएनए एक छोटा सा पार्ट होता है हमारी बॉडी में, हम उससे बने हुए हैं। वो हमको बता दे हमारी हाइट कितनी है, हमारी हाइट कितनी होगी, और हम किस चीज को लाइक्स करते हैं, किस चीज को डिसलाइक करते हैं। अच्छा, इसको डीएनए कहते हैं, और ये इन्होंने डीएनए को फाइंड किया था? नहीं, उनकी फर्स्ट पिक्चर ली थी। उसकी फर्स्ट पिक्चर ली थी डीएनए की। वाओ, जबरदस्त साइंसदान थी, केमिस्ट थी भाई ये तो। वेरी गुड। अच्छा जी, और आप हमें बताएं। अब मैं आपको एक गर्ल का बताती हूँ, जो वो साइंसदान नहीं बन सकी थी क्योंकि वो छोटी थी और उसकी जल्दी डेथ हो गई थी। उसकी डेथ हो गई थी जब वो 16 इयर्स की थी। ठीक है, और उसका ताल्लुक किस मुल्क से था, किस कंट्री से थी वो? वो पाकिस्तानी थी, और अगर कोई पाकिस्तान में अच्छा काम करे तो फिर हमको किसी को बताना चाहिए, सबको बताना चाहिए ना कि इसने अच्छा काम किया है। बिल्कुल बताना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं। और उसका नाम क्या था? उसका नाम है अरफा करीम। अरफा करीम पैदा हुई थी पाकिस्तान में, और वो ना यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड है। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर थी उस वक्त एट द एज ऑफ 9, जब उनकी उम्र 9 साल थी, है ना जी? जबरदस्त काम है वैसे हनांता, इतने छोटा बच्चा कैसे माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड हो सकता है, लेकिन अरफा करीम ने ये जबरदस्त काम किया था, है ना? फिर उनका आए जिस जो अच्छा काम करते हैं ना उसका नाम गिनीज बुक आता है। और अरफा करीम का नाम ना गिनीज बुक में है, में आया था बिल्कुल, लेकिन उनको इतनी ज्यादा लंबी उम्र नहीं मिल सकी, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन हमें हनांता ने अच्छा याद कराया कि जो पाकिस्तानी बड़ा काम करते हैं हमें उनका जिक्र करना चाहिए और लोगों तक उस बात को पहुंचाना चाहिए ताकि दूसरे बच्चे भी उससे इंस्पिरेशन हासिल करें। जी, और अरफा करीम ने ना काम किया था, अरफा करीम ने ना काम किया था कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए काम किया था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बस इतना ही था। बस इतना ही था भाई, काफी था हनांता आज, बस इतना ही नहीं था, ये काफी सा इतना था। आपने इतनी अच्छी हमें इंफॉर्मेशन पहुंचाई, और हनांता आपका सेगमेंट लोगों में, आपके साथियों में इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है क्योंकि हनांता इतनी डिटेल में रिसर्च करके लाती हैं और इतनी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें देती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैडम। अच्छा जी, चल के हम लेंगे अब छोटा सा एक ब्रेक, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज हमने अब्दुल्ला भाई को एक ऐसा काम दिया कि हमने कहा अब्दुल्ला भाई आप माशाल्लाह इतने लीडिंग आर्किटेक्ट हैं पाकिस्तान के, और आप हमारे सेगमेंट में घरों के इंटीरियर्स, कलर्स,
آرکیٹیکچر, گھروں کا بنانا, کانٹریکٹس, ڈیزائنز, کن کن چیزوں کا ہم خیال رکھ سکتے ہیں, اس کی بڑی زبردست ٹپس دیتے ہیں اور آپ کا سیگمنٹ بہت پاپولر ہے. لیکن ایک مسئلہ ہے عبداللہ بھائی نے کہا کیا, ہم نے کہا جی مسئلہ یہ کہ جب آپ لوگ اپنی ٹیکنیکل ورڈز یوز کرتے ہیں نا تو وہ کئی دفعہ ہمیں ٹیکنیکل ورڈ سمجھ نہیں آ رہے ہوتے, آپ تو روٹین میں استعمال کر جاتے ہیں. تو آج ایک طرح سے ٹیکنیکل الفاظ کی جو کہ کنسٹرکشن میں یا گھروں کے انٹیریئرز میں استعمال ہوتے ہیں ان کی ایک ڈکشنری عبداللہ بھائی ہمارے لیے لے کر آئے اور بہت سے الفاظ کے آسان مطالب ہم تک پہنچیں گے. سو رہیے میرے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد عبداللہ کا سیگمنٹ ہے سم تھنگ لائک دیٹ. بریکفاسٹ ایٹ ہوم کے سچ پہ اب وقت ہے کہ عبداللہ بھائی ہمیں گھر کے آرکیٹیکچر کنسٹرکشن کے حوالے سے کچھ زبردست ٹپس دے دیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. بالکل خیریت سے. یہ بتائیے کہ حنانتا مجھے لگتا ہے بڑے ہو کے آرکیٹیکٹ بنے گی. جی وائی ناٹ, بالکل. کیونکہ اس کو جو میتھمیٹکس سے اس کا جو پیار ہے نا, جی مجھے لگتا ہے کہ اس کو اس طرح کی کسی فیلڈ میں لے کے جائے گا, کیونکہ وہ اپنے میتھس کے شوق ایک دفعہ پہلے بھی آن ایئر اظہار کر چکی ہیں. جی جی جی. میتھس کتنا ضروری ہوتا ہے اس سارے پروفیشن کے لیے؟ میتھس ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہوتا ہے بیکاز آپ کو ساری کیلکولیشنس کرنی پڑ رہی ہیں, کتنا مٹیریل چاہیے, کس طریقے سے چاہیے, جو کمروں کی میجرمنٹس ہیں, انچز کو جو ہے وہ کنورٹ کرنا, وہ کرنا. تو ڈیفینیٹلی اگر میتھس میں انٹرسٹ ہو تو وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس فیلڈ میں. تو میرے جیسا بندہ جس کی گنتی ختم ہو جاتی تھی پانچ پہ جا کے, کیونکہ انگلیاں پانچ کے آگے ختم ہو جاتی تھیں. ادھر میرے خیال سے اب کافی آسانیاں ہو گئی ہیں, کیلکولیٹرز آ گئے ہیں, آن لائن ہر چیز اویلیبل ہے, فوراً سے آپ کوئی آنسر دیکھ سکتے ہیں. تو آپ بھی آرکیٹیکٹ بن سکتے ہیں. میں بن سکتا ہوں. تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اچھا جی, آج ہم نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عبداللہ بھائی کو ہم نے ایک تھوڑا ڈفرینٹ سا اسائنمنٹ دیا, اور وہ یہ ہے کہ کچھ جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں, کچھ الفاظ, کچھ ایسے بیسک ٹولز, ان کے بارے میں ہمیں بتائیے. تو کون سے الفاظ ہیں جی جن پہ آپ ریسرچ کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جس طرح ابھی ہم میتھس کی بات کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا میجرمنٹ کے اس سے یوز کرتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ورڈ ہے وہ ہے سوتر. تو جو انچ ہوتا ہے ایک انچ, اس کا جو آٹھواں حصہ ہے یا 1/8 inch جسے ہم کہہ سکتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں سوتر. اچھا جی. اور اگر ہم اسے کسی جملے میں استعمال کرنا ہو تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیز, اس دیوار کو ایک سوتر ادھر کر دیں, یا یہ والی جو چیز ہے یہ الائن نہیں ہوئی بھی, ایک سوتر اس کو ادھر کر دیں. تو ایک سوتر کا جو سوتر لفظ ہے وہ ایک انچ کا آٹھواں حصہ, آٹھواں حصہ ہے جی. is one سوتر. ٹھیک ہے. اور یہ جب آپ اپنے ٹھیکیدار سے یا اپنے جو آپ کا مستری ہے اس سے بات کر رہے ہیں تو یہ وہ لینگویج ہے جو وہ سمجھ جائے. بالکل, جو جیسے ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں دوسرے کے ساتھ. سو ایٹ, جیسے ہم پرپینڈیکولر کہتے ہیں, تو جو 90 ڈگریز کا اینگل ہے اسے ہم کہتے ہیں گنیا. گنیا گنیا گنیا. تو اگر وہ 90 ڈگریز پورے کے پورے صحیح ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ دیوار جو ہے وہ گنیا میں ہے, اور اگر وہ نہیں ہوگے 90 ڈگریز تو ہم کہیں گے یہ بد گنیا ہے دیوار. تو ڈن ہو گیا جی. اگر آپ نے اپنے ٹھیکیدار کو امپریس کرنا ہے اور آج ہی جائیں اپنی کنسٹرکشن سائٹ پہ جا کے, ہاں یار چاچا جی دیوار گنیے میں نہیں ہے, وہ فوراً امپریس ہو جائے گا. بالکل یہ ہے, بالکل. تو یہ آئی ہوپ کہ اب ٹھیکیدار اس وقت ہماری باتیں نہ سن رہے ہو. جی اچھا, جب ہم تیسرے ورڈ کی طرف آئیں گے تو وہ جو برکس ہوتے ہیں اور ان کی اگر ایک لیئر لگی ہوئی ہو تو ہم اسے کہتے ہیں ردا. ردا جی. تو اگر جس طرح ایک لیئر لگی ہوئی ہے اور ہمیں اس کے اوپر تین اور لگانے ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس پہ تین ردے اور لگا دیں. ٹھیک ہے. تو وہ جو ردا ہے اس کو ہم برکس کو ڈیفائن کرنے کے لیے, برکس کی ایک لیئر کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اچھا, پھر جو ہے وہ ہے چال. چال جی. ٹھیک ہے. جس طرح فار ایگزامپل اگر برکس والے نے اپنا سارا کام کر لیے, برکس لگ گئی ہیں, اور اب پلاسٹر والا جو ہے کام جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے, تو ہم پلاسٹر والے سے کہیں گے کہ آپ کی چال تیار ہے وہاں پہ. سو جو اگلا والا فیز ہے اس کے لیے ہمیں جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے سب کچھ, تو اس کو ہم کہتے ہیں چال. ٹھیک ٹھیک ہے. اور جو ہمارا ففتھ ورڈ ہے آج کا وہ ہے موقع. تو جو سائٹ کی ہوتی ہے کنسٹرکشن کی, جہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے, کوئی رینوویشن ہو رہی ہے, کوئی بھی چیز ہو رہی ہے, تو ہم اسے کہتے ہیں کہ جی وہ موقع ہے. ٹھیک ہے. تو ہم موقع پہ ڈیسائڈ کر لیں گے, موقع پہ جا کے دیکھ لیں گے کہ کس طرح واردات والا موقع. جی جی, اس طریقے کا موقع ہم کہتے ہیں. لیکن یہ موقع سے فائدہ اٹھانے والا موقع. جی جی, وہ والا موقع ہرگز بھی نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ سمجھنا بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے جی. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے
آرکیٹیکچر یہ سارا کہاں سے پڑھا تھا, کس یونیورسٹی سے؟ میں نے کراچی سے پڑھا تھا, انڈس ویلی اسکول آف آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر سے. اچھا, اب جب آپ وہاں پہ انڈس ویلی میں جب کلاس ہے, پروفیسر صاحب کھڑے ہیں, تو کیا وہاں پہ بھی یہ سوتر اور موقع اور گنیا ان الفاظ کا استعمال آپ لوگوں کو پڑھانے میں بھی on a serious note کیا جاتا تھا؟ کیونکہ actual practical field کے اندر جا کے تو یہ الفاظ استعمال ہوں گے, یا وہاں پہ اس کے کوئی بہت ہی انگریزی قسم کے الفاظ تھے؟ Definitely ہماری جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں زیادہ تر کورسز جو ہیں وہ انگریزی زبان میں, تو جو انگریزی ورڈز ہیں وہ ہم نے ٹولس کے بھی اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے سیکھے تھے, لیکن ڈیفینیٹلی جو اردو کے ورڈز تھے وہ بھی ساتھ ساتھ انٹیگریٹ کرتے تھے. تو کچھ جو ہیں جس طرح موقع اور چال, یہ مجھے تھوڑا سا بعد میں پتہ چلا جب میں پریکٹس کرنا اسٹارٹ کی, وہ جس طرح سوتر ہے, گنیا ہے, ٹھیک ہے, تھوڑی سی زیادہ ٹیکنیکل قسم کی ٹرمز ہے, تو یہ ڈیفینیٹلی سکھاتے ہیں. یہ سکھاتے ہیں جی. گریٹ, تو اب ہم بڑھیں گے جناب کچھ ٹولس کے جانب اور کچھ تصویریں آپ کو دکھائیں گے, اور عبداللہ ہمیں ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے کہ یہ کیا ہے اور یہ کیوں استعمال ہوتا ہے. بالکل, تو ہم سب سے پہلے سٹارٹ کریں گے لیول سے. تو کوئی بھی دیوار ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس کا جو لیول ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہم اس ٹول کو استعمال کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک رولر کی طرح ہے, ایک اسکیل کی طرح ہے. بالکل. اور اس کے بیچ میں نا یہ گرین سا لکوڈ ہوتا ہے, اور اس لکوڈ میں ایک ہوتا ہے ببل. اب اگر یہ ببل جو ہے وہ سینٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو ساری چیزیں وہ لیول میں, اور اس میں بھی آپ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز دیکھ سکتے ہیں. ایک انہوں نے اینگل پہ لگایا ہوا ہے, جو سینٹر والا ہے وہ ہوریزونٹل ہے, اور جو آپ کے ایکسٹریم رائٹ کے اوپر ہے وہ ورٹیکل ہے. تو اس فٹ رولر کو یا جس اس کی دیوار پہ رکھیں تو پتہ لگ جائے گا کہ دیوار سیدھ میں ہے یا نہیں. سیدھ میں ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس کے اوپر بھی رکھ سکتے ہیں, اس کو ورٹیکلی بھی چیک کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی اور چیز ہو, ٹائلز آپ نے لگائے ہوئے ہیں اس کا لیول آپ نے چیک کرنا ہو, تو یہ ہر چیز کا جو بھی لیول ہے وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لیول, اس کو لیول ہی کہتے ہیں. ویسے بالکل اس طرح کی چیز ہمارا یہ جو کیمرہ جس سے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بھی ہوتا ہے. یعنی کیمرے کے اندر ایک بالکل اسی طرح کا اوپر سے دیکھیں تو ببل ہوتا ہے. وہ ببل اگر سینٹر میں ہے تو اس کا مطلب ہے کیمرہ بالکل اپنی پوزیشن پہ ایسے ہے. اگر وہ ببل لیفٹ پہ تو اس کا مطلب ہے ایسے کیمرہ لیفٹ کے طرف ہے یا رائٹ کی طرف ہے. تو اس ببل کو دیکھ کے ہم کیمرے کو, ہمارے جو کیمرہ مین ہے اس کو سیدھا کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ کتنا, حالانکہ وہ دیوار اور کنسٹرکشن اور یہ میڈیا اور کیمرہ, لیکن بنیادی طور پہ میں نے دیکھا کہ فزکس کے اصول جو ہیں وہ بالکل میچ کرتے ہیں مختلف اکوپمنٹس اور پروفیشنز. ایسا ہی ہے جی. جی اگلی دکھائیے گا. یہ جو ہمارا نیکسٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں گرمالا, اور یہ جو ہے پلاسٹر کو سیدھا کرنے کے لیے یا سیمنٹ کو ایک اسموتھ سی فنش دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو لیفٹ سائڈ پہ آپ کو وہ ٹول نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے وہ ایک بار سی ہے اور اس کے اوپر ایک ہینڈل لگا ہوا ہے, اور رائٹ سائڈ کے اوپر کس طریقے سے وہ اسے استعمال کر کے پلاسٹر کو اسموتھ کر رہا ہے. تو یہ ہمیں نظر آ رہا ہے, اور یہ تو ہمارے راج مزدور جی جی بالکل بالکل عام استعمال کرتے ہیں. بہت کامن ہے یہ ہر اس میں. بالکل ٹھیک ہے جی. جو یہ ہے اس کو ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو لیول تھا اسی کی ایک طریقے سے ایکسٹینشن ہے. اسے ہم کہتے ہیں گز. ٹھیک ہے یہ بھی اگین میجرمنٹس کا تھوڑا سا لیول وغیرہ چیک کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ لیول میں ہیں یا نہیں ہیں. اس کی تھوڑا سا بڑا بھی ہو سکتا ہے, تھوڑا سا اس کا سائز چھوٹا بھی ہو سکتا ہے, اور اگین ورٹیکلی آپ کو چیک کرنا ہو, ہوریزونٹلی چیک کرنا ہو, تو لیول چیک کرنے میں چیزوں کو سیدھا رکھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے. بالکل, اسے کہتے ہیں گز. یہ جو ہے جی اس کو ہم کہتے ہیں کرنڈی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پلاسٹر کو لگانا, برکس کو آپس میں جوائن کرنے کے لیے جو بیچ میں آپ کو تھوڑا سا پلاسٹر لگانا پڑتا ہے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. کرنڈی کا ایک کپڑا بھی ہوتا تھا کرنڈی, اس کا اس سے کیا تعلق ہوتا ہے؟ یہ میرے خیال سے کسی ٹیکسٹائل فیشن ڈیزائنر سے کرنا چاہیے جی, آرکیٹیکٹ ڈیزائنر سے نہیں جی. اچھا جی اگلی دکھائیے گا ہمیں. اچھا یہ جو جی, یہ تو خطرناک کام شروع ہو گیا. تو یہ ایک ہیمر ہے جسے اگر ہم اردو میں اس کا جو لفظ ہوتا ہے وہ اس کو ہم کہتے ہیں تیسی, اور یہ جو ہے برکس کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. اچھا, اس کو ہتھوڑی یا ہتھوڑا نہیں کہتے؟ جی, تو یہ جی جی, تو ہتھوڑی کی طرح کی ایک قسم ہے, لیکن چونکہ اس کے آگے وہ کلوز نہیں لگے ہوئے جس سے آپ کیل کو وہ کر سکیں, تو یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ پرپز ہے اس کا. اس کے آگے ایک چھوٹی سی چونچ ہے جو کہ برکس کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے. تیسی جی, بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ہماری لاسٹ لائن, اسے ہم کہتے ہیں سال. ٹھیک ہے نا, یہ پلمپ باب اس کے لیے انگریزی میں استعمال کرتے ہیں. تو یہ ڈوری ہوتی ہے, اور یہ ورٹیکل الائنمنٹ چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے, تاکہ اوپر سے آپ ڈوری لٹکا دیں تو یہ اگر سیدھا طرح آ جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دیوار الائن ہوئی ہوئی ہے, اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی دیوار الائن نہیں ہوئی ہوئی. ویری انٹرسٹنگ. یہ آج ساری تصویریں آپ کو دکھانے کا اور ان کے نام اور ان کے کام کو بتانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کل آپ یہ چیزیں اٹھائیں اور اپنا گھر خود بنانا شروع کر دیں. بتانے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آپ کا جو ہمیں فیڈ بیک ملتا ہے, ہم نے پچھلے 3 مہینے سے گھر بنانے کی ٹپس کا جو یہ سیشن سجا رکھا ہے, خاص طور پہ اس سے پہلے ہم زیادہ انٹیریئرز کی بات کر رہے تھے, اس کا مقصد یہ کہ جب آپ گھر بنوا رہے ہیں تو اپنے ٹھیکیدار سے یا اپنے مزدور سے, راج سے, آپ جا کے جب بات کریں تو کم از کم تھوڑا سا کمیونیکیشن بیریئر
कम हो जाए, थोड़ा सा ब्रिज हो जाए, उस गैप को हम ब्रिज कर सकें, ताकि वो जो आपसे बात करें और आप उनसे बात करें तो कुछ चीज़ें आपकी उनको और उनकी आपको समझ में आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है जिसके पास ये सारी बेसिक टूल्स नहीं हैं या इनमें से कोई वो टूल इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो उसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा अंदेशा है कि आपकी जो दीवारें वो थोड़ी सी टेढ़ी होंगी, वो चीज़ें सीधी नहीं होंगी। तो इसलिए इन चीज़ों का इस्तेमाल करना हर कॉन्ट्रैक्टर के लिए ज़रूरी है। और अगर कॉन्ट्रैक्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा तो आप यकीन करें इस बात का कि आप उसे इनक्रेज करें कि नहीं, वो आपके पास वो वाला टूल नहीं है, आपको उसको इस्तेमाल करना चाहिए ताकि सारे काम सही सही होते चले। बिल्कुल ठीक अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच। काफी इन्फॉर्मेटिव सेशन था आज आपका। हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू सो मच। वीक अहेड हम चल करेंगे जनाब एक छोटा सा मशहूर यहाँ ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो जैसा कि प्रोग्राम के आगाज में मैं आपको बता रहा था कि अमरीन अजायब जो कि एक ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स, चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट हैं, और साथ ही साथ रॉस मेहतानी जो कि माइनॉरिटीज़ के राइट्स के एक्टिविस्ट हैं, आज हम इन दोनों के साथ कुछ आप के साथ एक नशिस्त, एक गपशप की नशिस्त रखेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे जो हमारा गुफ्तगू के मजामीन है वो रोटेट करेंगे चाइल्ड मैरिज के हवाले से, यानी पाकिस्तान में कम उम्र की शादी, खासतौर पर बच्चों की जो शादियाँ कर दी जाती हैं उसके हवाले से हम कुछ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाएँगे, और साथ ही साथ खासतौर पर जो हिंदू कम्युनिटी हमारी उनके जो शादी के हवाले से मसाइल एक हिंदू मैरिज बिल की सूरत में हल होते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, वो किस कदर प्रैक्टिकल हैं, वो किस कदर हल उनका हो रहा है और कितने अभी हल तलब रहते हैं, इस हवाले से हम रॉस से भी बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे। इंसानी हकूक के हवाले से बात की जाए पाकिस्तान के अंदर, माइनॉरिटीज़ के हकूक के हवाले से बात की जाए, ख्वातीन की अपने राइट्स के हवाले से स्ट्रगल की बात की जाए, तो हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है। अमूमन टॉक शोज़ में बैठ के या जनरली बात ही होती है कि अभी तो ये करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है, अभी वो करना बाकी है। मैं ज़ाती तौर पर हमेशा जितना ग्लास भरा हो उसको देखता और उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ और करता भी हूँ। इससे मुराद ये है कि जो काम हो चुके हैं, जिन माइलस्टोन्स को पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स के एक्टिविज्म के दुनिया में या जुडिशरी की दुनिया में या कानून साजी की दुनिया में पार्लियामेंट्स ने जिन माइलस्टोन्स को अचीव किया है, हमें उनकी बात भी करनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन माइलस्टोन्स में जो चैलेंजेस सामने आए हैं उसकी बात भी हमें साथ साथ करनी चाहिए। इसी हवाले से एक से दूसरे जुड़े दो तीन हवालों से आज की नशिस्त हमने सजाई है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त इस हवाले से काम करते हुए जो पाकिस्तान के होराइजन पे हमें बड़े नाम नज़र आते हैं तो हमारे साथ मौजूद हैं। अमरीन अजायब हैं जो कि वैसे तो इनको हम इंसानी हकूक के हवाले से एक एक्टिविस्ट कहेंगे, लेकिन आज बच्चों की जो शादियां की जाती हैं उस हवाले से अमरीन के दिल में बहुत सी बातें भरी पड़ी हैं, तो हमारे से शेयर करेंगे। अमरीन गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ हैं रॉस मेहतानी, अगेन ये भी एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, ये भी ख्वातीन के हकूक के हवाले से, माइनॉरिटीज़ के हकूक के हवाले से, बच्चों के हकूक के हवाले से काम करते हैं, लेकिन आज हमने रॉस मेहतानी को एक एक्टिविस्ट के तौर पर बुलाया है कि जो हिंदू मैरिज बिल ने जो माइलस्टोन्स अचीव किए और पाकिस्तान की जो हिंदू कम्युनिटी है उसको इससे क्या फायदे हो सकते हैं या अभी भी क्या चैलेंजेस बाकी हैं, इस हवाले से हम रॉस से बात करें। रॉस गुड मॉर्निंग, नमस्ते। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे आप? ठीक है? सब ठीक ठाक, सब खैरियत। अच्छा जी, सबसे पहले तो कहाँ से बात शुरू की जाए? सबसे पहले तो यहाँ से बात शुरू करें कि अमरीन और रॉस आप दोनों ये बताएं कि जिन इशूज पे आप दो काम कर रहे होते हैं कई दफा इंसान थक नहीं चाहता कि ये एक्टिविज्म के राइट्स की फाइट जो है ये पूरी दुनिया में हमने देखा बड़ी वक्त तलब होती है, बड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है। आप लोग कभी, अमरीन आप बताएं, कभी ऐसे दिल नहीं करता कि अच्छा भाई अब थक गए बस सब घुटनों के बल बैठ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं दिल करता, क्योंकि जब आपकी एक छोटी सी एक अचीवमेंट होती है तो वो एक नया रास्ता और नई मंजिल दिखा देती है कि ये तो हासिल कर लिया, अब इससे आगे बढ़ना है। ये मसलन अभी आपने जो जिक्र चाइल्ड मैरिज का किया, अब
देखा जाए तो ये इशू उठा था इवन तकसीम पाकिस्तान से भी पहले कायद आज़म ने, जब वो कांग्रेस ने प्रेजेंट किया था हिंदू की एज के हवाले से, तो उन्होंने ज़िक्र किया था कि जी क्यों मुस्लिम औरतें भी, मुस्लिम बच्चियों को भी प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो वो 16 साल फिक्स की गई थी उम्र उस वक्त। ठीक है, तो वो मुझे लगता है कि जैसे उस वक्त का उन्होंने जो काम लिया था, तो अगर हम अभी कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि थक जाए या कोई नई चीज़ है या कोई, तो वो मुझे लगता है कि हर वो शादी जो हम रुकवा सकते हैं बच्ची की, और हर वो स्माइल जो बच्ची के चेहरे पे आती है जब वो स्कूल जाने लग जाती है, बजाय इसके कि वो उसकी 9 या 10 साल की उम्र में शादी हो, तो बंदा वो थकता नहीं है, वो सेल्फ एक और मोटिवेशन आ जाती है, एक नए काम के लिए मोटिवेशन। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या लड़के और लड़की की उम्र क्या है कानून के? कानून के हिसाब से बच्ची की उम्र 16 साल है मेजोरिटी में, सिवाय सिंध के। सिंध में कानून बदल गया था, उन्होंने 18 साल कर दी थी बच्ची की, और बच्चे की उम्र जो है वो 18 साल है या 80 हो जाता है। और अगर इससे कम उम्र के किसी लड़के या लड़की की शादी की जाए तो कानून क्या कहता है? अच्छा, इसमें भी बड़ी दिलचस्प बातें हैं। सिंध के कानून में तो बहुत क्लियर सज़ाएं और वो मुंतखब मुकर्रर कर दी गई हैं। पंजाब में भी कुछ रिवीजन हुई थी जिसमें ये हुआ था कि उम्र तो 16 साल ही रखी गई बच्ची की, लेकिन सज़ाएँ बढ़ गईं, निकाह खान के लिए भी, पेरेंट्स के लिए भी जुर्माने और सज़ाएँ हैं, 3 साल से 5 साल तक सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। लेकिन जो कानून इस वक्त इस्लामाबाद में लागू है और जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में लागू है, वो 1929 का वो कानून है जो कायद आज़म ने उस वक्त बनवाया था, जिसमें सिर्फ 1,000 रुपया जुर्माना है अगर आप कम उम्र से शादी करते हैं तो, और या फिर 1 महीना कैद है या फिर दोनों है। यानी बहुत हल्का है कानून, सख्त नहीं है, सख्त नहीं, नर्म है। आप उस वक्त सोचिए कि अगर 1929 में 1,000 रुपया सोचा गया होगा तो वो कितनी बड़ी रकम है। इसका मतलब है कि उस वक्त इस मामले को कितना सीरियस लिया गया था। तो अभी तक अगर आप अगर 1,000 रुपये, मेरे ख्याल उस जमाने का 1,000 रुपये आज का कम से कम लाख तो ज़रूर, लाख तो कम से कम होगा। तो ये देखिए कि उस वक्त के लिए कितनी अहमियत थी इस इशू की, लेकिन तो उससे अंदाज़ा लगा सकता है इंसान के कितनी ज़रूरत है इस कानून को तब्दील करने की, कि उस वक्त बहुत अहमियत थी। रॉस, ये बताइए कि क्या हमारी ये क्या कल्चरल चीज़ आप समझते हैं कि क्या, या हिंदू कम्युनिटी के अंदर भी अभी भी अर्ली मैरिज या बच्चों की शादियां राइज हैं, या हिंदू कम्युनिटी में ये मसला नहीं है और ये सिर्फ मुसलमान कम्युनिटी से? तौसीफ साहब, उससे पहले मैं आपकी परमिशन से चाहूँगा कि आज जैसे अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं तो आज डेथ एनिवर्सरी भी है असमा जहांगीर की। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं चाहूँगा शुरू करने से पहले मैं ट्रिब्यूट दूँ जो हमारी ह्यूमन राइट्स की आइकॉन हैं असमा जहांगीर साहिबा, उनको हम ट्रिब्यूट दें, और उनकी अगर ह्यूमन राइट्स की बात हो तो उनकी बात ना हो तो वो इनकम्प्लीट है। बिल्कुल, और आपने हमें बिल्कुल सही फरमाया, और पता भी नहीं चला एक साल से। हाँ। मुझे तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कल की बात है, क्योंकि वो शायद वो शॉक इतना सख्त था आसमा साहिबा के इस दुनिया से चले जाने को, जिस तरह से वो गई अचानक, कि वो शायद हम जैसे लोग अभी तक इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकते। और वो हर साल चूंकि हर रोज उनकी बातें होती रही, सिर्फ उनकी याद में, कि अभी तो उनकी डेथ हुई है तो उनकी याद में बातें हो रही हैं और साल गुजर गया। Exactly. इस वाले से भी बल्कि बात आपने की है तो हम आगे चल के थोड़ी सी बात करना चाहेंगे कि एक्टिविज्म में हम असमा जहांगीर जैसी शख्सियत से क्या सीख सकते हैं, या एक आम आदमी, अमरीन हमें चाहूंगा आप आगे चल के हम इस पे बात करें कि एक आम खातून या एक आम शख्स, एक आम नौजवान, एक आम स्टूडेंट उनसे, जरूरी नहीं कि आप एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हो तभी आपने असमा जहांगीर से कुछ सीखा है, आम शख्स उनसे क्या सीख सकता है। लेकिन पहले आते हैं जरा चाइल्ड मैरिज की हवाले से, तो क्या ये इशू हिंदू कम्युनिटीज में भी है? बिल्कुल सर, ये बड़ा सीरियस इशू है हिंदू कम्युनिटी की अगर हम बात करें तो, उसमें चाइल्ड मैरिजेस बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन इसको काफ़ी डिफरेंट एंगल से भी देखने की ज़रूरत है। अच्छा, फर्स्टली पहले तो हिंदू मैरिज बिल के थ्रू ये इशू रिजॉल्व हो गया है। अब तीनों सूबों में और केपी के, बलूचिस्तान और पंजाब और इस्लामाबाद टेरिटरी ने जो नेशनल असेंबली में कानून पास किया था उसमें मिनिमम एज 18 ईयर्स रखी गई थी। ठीक, इसी तरह सिंध ने अपना हिंदू मैरिज बिल पास किया, उसमें भी मिनिमम एज फॉर हिंदू कम्युनिटी टू मैरी इज 18 ईयर्स। तो उन्होंने इशू रिजॉल्व ये कर दिया हिंदू कम्युनिटी, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन हो रही है? इम्प्लीमेंटेशन के काफ़ी चैलेंजेस हैं, और इम्प्लीमेंटेशन इसके रूल्स फ्रेम होना बाकी हैं। कानून तो बड़ा लैंडमार्क एक अचीवमेंट है, काफ़ी सालों की मेहनत के बाद हुआ है, लेकिन जब तक कम्युनिटी को फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक उसके रूल्स फ्रेम हो और उसकी अवेयरनेस और ब्यूरोक्रेसी में उसकी अवेयरनेस हो और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एफर्ट्स किए जाएं। रॉस, आप जैसे जो एक्टिविस्ट हैं बहुत अरसे से हिंदू मैरिज बिल के लिए काम कर रहे थे, आप बताइए इसके फवायद क्या हैं? एक आम हिंदू लड़का लड़की जिनकी शादी हुई है, अगर उनकी शादी डॉक्यूमेंट हो गई है, अब उसका फायदा क्या होता है आम जिंदगी में? बिल्कुल,
अगर डॉक्यूमेंट शादी हो रही है, अगर रेगुलेट हो रही है मैरिज, रेगुलेट हो रही है, तो उसका फायदा ये होगा, देखें आपको CNIC लेने में इजी हो जाता है, पासपोर्ट लेने में, इनहेरिटेंस, पेंशन, कोई प्रॉपर्टी की ट्रांसफर है, तो ये बहुत सारी चीजें इससे अटैच हैं। नहीं, पेंशन का शादी से क्या था? कोई विडो है, क्लेम करना चाहती है पेंशन, तो उसको इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हर कि उसके लिए वो प्रूफ कर सके कि मेरे हस्बैंड, ये मेरे लीगल हस्बैंड हैं। इस बिल के पास होने से पहले इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं था। यानी जैसे मुसलमान लड़का लड़की की शादी होती है तो वो एक निकाह होता है, और वो निकाह का डॉक्यूमेंट कितनी जगहों पे इस्तेमाल किया जा रहा होता है। अगेन वही बात है, CNIC में नाम अगर चेंज कराना है या पासपोर्ट में, तो निकाह नामा होता ही नहीं था, अगर यूं समझें। बिल्कुल, मैं छोटी सी एग्जांपल आपको शेयर करूंगा अपनी लाइफ स्टोरी की भी। मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया तो उन्होंने मुझसे निकाह नामा का पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि इस तरह नहीं है, लेकिन हमारी पंचायत, वो टाइमली बेसिस पे हम ऐसे ही पंचायत से इशू करवा देते लेटर, तो उन्होंने पूछा चले मैं अपना कन्फर्म करूंगी कि ये चलता है या नहीं, लेकिन बाद में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। पर एक ये सोल्यूशन नहीं था, एक सोल्यूशन कि आप किसी MNA से, MPA से या किसी पंचायत से लिखवा लें कि भाई दिस इज टू सर्टिफाई कि ये मैरिज टुक प्लेस। लेकिन अब ये है कि अब वो कानून पास हो गया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दी थी, उसके बाद नादरा अब इशू कर रही है सर्टिफिकेट्स। तो ये बहुत जो मैं अभी शुरू में कह रहा था कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हमारे पास हमारी तारीख के अंदर है, उनको भी एक्नॉलेज करना और उन पर बात करना। अंदाजन कितने पाकिस्तान में कितने हिंदू हैं? अच्छा, लास्ट सेंसस जो हुए थे वो अभी हुए रिसेंटली लास्ट ईयर, लेकिन उसमें अभी तक मिनोरिटीज का डाटा रिलीज नहीं हुआ, अभी होना है अनकरीब। लेकिन 1998 के सेंसस के हिसाब से 2.4 मिलियन पॉपुलेशन थी हिंदू कम्युनिटी की। ठीक है, और अगर उस तरह से अगर रेशियो वाइज देखें तो अब मेरा ख्याल है इस हिसाब से देखें तो तकरीबन इस वक्त 50-60 लाख, अराउंड 5 to 6 million होने चाहिए। Exactly. इसी तरह मैं बड़ी अच्छी एक आपसे बात शेयर करूंगा कि इस दफ़ा बड़ी एक अच्छी पॉजिटिव चेंज आई कि पॉलिटिकल पार्टीज ने जनरल सीट्स पे भी टिकट्स दी माइनॉरिटीज़ को। जैसे अगर हम सिंध का हम एग्जांपल लें तो उसमें थर पार्कर से महेश मलानी जनरल सीट पे जीत गया है, मीरपुर खास से हरिराम जीत गया है, और इसी तरह ज्ञानचंद ईसरानी जामशोरों से जीत गया है। तो ये स्पेशली थर का, और जब हम बात करें थर और उमरकोट में तो 40% से ज़्यादा, क्योंकि थरपारकर, उमरकोट और मिट्टी में, ये तीन डिस्ट्रिक्ट्स पाकिस्तान के ऐसे हैं जहां की आबादी मेजॉरिटी हिंदू आबादी कम्युनिटी है। और ये भी बहुत अरसे से ये बात हो रही थी कि डायरेक्ट इलेक्टेड सीट्स के ऊपर टिकट के साथ आना बहुत जरूरी है, रिजर्व्ड सीट्स के ऊपर तो अगेन। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अमरीन हमारे साथ मौजूद है और ये इनका बड़ा खास दिलचस्पी का मौजूद है। मैं जब ये डायरेक्ट सीट्स और रिजर्व सीट्स की बात हो रही है तो मैं ब्रेक के बाद अमरीन से जरूर जानना चाहूंगा कि खवातीन का जो एक कोटा है पार्लियामेंट्स के अंदर, इसको ये किस नज़र से देखती हैं कि ये क्या डायरेक्ट सीट्स और रिजर्व्ड कोटा सीट्स, इसके ऊपर भी बड़ी बहस होती है कि जब आप कोटे का किसी भी कम्युनिटी को किसी भी दुनिया में किसी भी कोने के अंदर आप कोटा इंट्रोड्यूस करा देते हैं तो फिर वो कोटे की आदत ही बन जाती है, फिर वो टू फाइट फॉर योर ऑन राइट्स ऑन योर ओन डायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स वाली हिम्मत शायद हमें तो कोटे में मां चले जाएंगे। सो इस हवाले से अमरीन इसको किस नजर से देखती है, इस हवाले से हम बात करेंगे। रही मेरे साथ, अभी मिलते हैं। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रॉस मेहतानी और अमरीन अजायब आज हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम बहुत ही डिफरेंट से एंगल से ह्यूमन राइट्स के इश्यूज को देख रहे हैं, बच्चों की कम उम्री की शादियां। और हमें अमरीन ने जैसे कि बताया कि बहुत सी इसमें पेशरफ्त भी हुई है लेकिन बहुत से चैलेंजेस भी हैं, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले साथियों, रॉस ने बात की थी डायरेक्ट इलेक्टेड सीट्स के ऊपर जो माइनॉरिटीज के पार्लियामेंटेरियंस का आना, या उसी से मैं जोड़ना चाह रहा हूँ कि खवातीन का डायरेक्ट इलेक्टेड सीट्स पे कोटास को पार्लियामेंट के अंदर, अमरीन आप किस एंगल से देखती हैं? मुझे कभी भी कोटा जो है ना वो फुल टाइम सोल्यूशन नहीं लगा, यानी ये हमेशा के लिए नहीं होता, ये सिर्फ
कुछ स्पेस आप लेते हैं कि ऐसे लोग जो मार्जिनलाइज्ड हैं उनको एक स्पेशल स्पेस देने के लिए, ताकि वो एक अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और फिर वो मुकाबला कर सकें एक ओवरऑल मेन स्ट्रीम में आने के हवाले से। तो ख्वातीन के हवाले से कोटा जो है, ये मैं इसको बहुत आइडियल नहीं समझती, इट इज़ नॉट एन आइडियल सिचुएशन। ये ठीक है क्योंकि इस बहाने से कुछ ख्वातीन आती हैं, वो सीखती हैं और उसके बाद वो जनरल इलेक्शन लड़ सकती हैं। लेकिन वो जो होता है ना, जैसे अभी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने कानून भी बना कि औरतों को 5% जो आप सीटें देंगे, कुछ ने दी बल्कि ज़्यादा जो टिकट्स देंगे, तो बड़ी पार्टीज़ ने टिकट्स दिए, लेकिन टिकट्स दिए ऐसी जगहों पर जहाँ पर उनका जीतने का चांस वैसे ही नहीं था। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो ना देने से ये इवन वर्स्ट है, क्योंकि ये एक तरफ तो उन औरतों को इलेक्शन हरा देगा, दूसरा ये कि वो जो पेट्रियार्कल माइंड सेट है वो ये समझेगा कि चूंकि यहाँ औरत खड़ी थी इसलिए इलेक्शन हार गए, तो इसलिए हम औरतों को टिकट नहीं देते, तो वो उनका औरतों को टिकट ना देना जस्टिफाई कर देगा। तो इस तरह की चीज़ें बड़ी मुझे लगता था कि इससे तो वो टिकट ना देते तो वो रिलेटिवली ओके टिकट ही नहीं दिया ना, वो आसान था। सो एक तो ये साइड, दूसरा कोटा मैं कभी भी इसको आइडियल नहीं समझती। और असेंबली में जो रिजर्व सीट्स पे जो लोग आते हैं, चाहे वो माइनॉरिटी की सीट्स पे हैं चाहे वो ख्वातीन हैं, उनकी जो वो एक से होती है ना इन टर्म्स ऑफ वोट, इन टर्म्स ऑफ वो चीज़ें, क्योंकि उनके उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बैक नहीं कर रही होती, तो वो फिर विद इन देयर ओन पार्टी भी उनका जो स्टेटस है वो थोड़ा सेकेंडरी नोयत का हो जाता है, प्राइमरी वो वोट बैंक से नहीं आ रहे, वोट बैंक से नहीं आ रहे, उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है वो बैक नहीं कर रही पूरी, तो वो फिर उनके फंड्स का क्राइटेरिया वो मुख्तलिफ होता है, उनको डेवलपमेंट फंड्स नहीं मिलते, तो मैं नहीं समझती कि ये आइडियल है। अच्छा रॉस, अभी ब्रेक में आप बड़ी इंटरेस्टिंग मीरपुर खास के साहब का लॉजिक बता रहे थे, क्योंकि आज हम बच्चों की कम उम्री की शादी के हवाले से भी मेन फोकस हमारा है, साथ साथ बात इधर उधर भी हो जाती है, लेकिन वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जो मैं चाहूँगा रॉस आप सबको बताएं। बिल्कुल, मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग एडवोकेट हूँ वैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के हवाले से भी जो सिंध में पास हुआ, लेकिन एक मेरी मुलाकात हुई गाँव के एक शख्स से जिनका माइनॉरिटी कम्यूनिटी से ताल्लुक था मीरपुर खास में, उन्होंने मुझे 2 मिनट में कन्वेंस कर लिया इसके खिलाफ, मतलब अच्छा, एक अलग एंगल से अलग उन्होंने मुझे सोचा, और एक अलग मैं चाहता हूं कि जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इस एंगल को भी ज़रूर कॉन्टेक्स्ट में रखें। और वो क्या एंगल है? सिंध में एक ये भी इशू है माइनॉरिटी कम्युनिटी का फोर्स कन्वर्जन। जी बिल्कुल, तो यानी जबरदस्ती शादी करके उस रिलीजन को बदलने की कोशिश की बच्चों की, स्पेशली माइनर का ये बड़ा चैलेंज होता है उधर कम्युनिटी में ना। तो उन्होंने मुझसे शेयर किया कि हम इस वजह से छोटी बेटियों की शादी करवा देते हैं क्योंकि हम खौफ में होते हैं फोर्स कन्वर्जन के इशू से, कि कल को ये अगवा कहीं ना हो जाएं और हमारी इतनी एक्सेस नहीं है, तो 17-18 साल की होगी तो नजरों में आएगी कि हाँ ये बच्ची जवान होगी फिर उसको अगवा कर लिया जाएगा फोर्स कन्वर्जन के हवाले से। अमरीन, इस हवाले से सॉरी, जी जी, बस मैं ये कह रहा था क्योंकि सिंध में ये बड़ा कल्चर है उधर की बेटियों की, वो जल्दी फिर स्पेशली जो गरीब हमारी कम्युनिटी है, तो ये एक जरूर इस एंगल से भी देखने की जरूरत है इस इशू को। हाँ, but this is not a solution. This is not a solution. मैं जब काम करती हूँ साउथ पंजाब में या और कहीं भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज हैं जहाँ पे बच्चियों की कम उम्र की शादी होती है, तो वो भी बाज़ोकात यही बातें कर रहे होते हैं कि हमें डर होता है कि हमारी बच्ची के साथ कुछ हो जाएगा, स्कूल जाएगी तो रास्ते में प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो इज्जत हमारी बेइज्जती हो जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी, तो इसीलिए 10 साल की उम्र में इससे उसकी इसलिए शादी जल्दी कर दें। तो मैं उनको हमेशा ये कहती हूँ कि ये सलूशन नहीं है। आपको अगर कोई हैरेस कर रहा है तो फिर हैरेसर को रोकने की ज़रूरत है। अगर कोई रास्ते में किसी हवाले से, जो रेप के सिचुएशन, रेप के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं साउथ पंजाब में, तो अगर वो ज़्यादा है तो फिर उन लोगों को रोकने की ज़रूरत है और उसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है, ना कि ये कि वो पहले विक्टिम है या एक पोटेंशियल है उसमें कि वो वल्नरेबल है उस सारे जो क्राइम है उसके अगेंस्ट, और फिर आप एक और क्राइम कर दें सिर्फ उस एक क्राइम से प्रोटेक्शन के लिए। ये तो वो है जैसे एक झूठ को छुपाने के लिए आप 10 झूठ और बोलें, तो इसमें एक एक चीज़ से बचने के लिए आप 3 क्राइम उसके साथ और कर लें। वैसे कोई सर्वे या कोई रिसर्च है कि इस वक्त आदाद-ओ-शुमार क्या है चाइल्ड मैरिज के हवाले से पाकिस्तान में? यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में हर 5वीं बच्ची की शादी 18 साल की उम्र में पहुंचने से पहले हो जाती है, यानी कि 21% जी, तकरीबन 21%। ये बहुत बड़ी फिगर है, हर 5वीं बच्ची जो है वो बचपन की शादी का शिकार है। जी बिल्कुल ऐसे, यानी 18 साल से कम उम्र में। फिर इसके अलावा कुछ इससे ज़्यादा अलार्मिंग फिगर्स जो हैं वो ये हैं कि जो हमारे यहाँ बच्चियाँ जिचगी के दौरान मर जाती हैं, जो माएँ,
उन माओं में 70-80% वो होती हैं जो इस कम उम्री की शादी की वजह से माएँ बनती हैं। सो ये जो हमारा सारी दुनिया में मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट हमारा जो बहुत हाई कंट्रीज में पाकिस्तान आता है, तो उसकी एक वजह ये चाइल्ड मैरिज है। बिल्कुल ठीक है जी, हम चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक से वापस आके अब हमने इस इशू के आखिरी हमारा सेशन होगा, तो हम रॉस और अमरीन दोनों से आज के सेशन के हवाले से देखेंगे कि इनके पास तीन चाहे वो माइनॉरिटी की मैरिज रेगुलेशन के हवाले से हो, उसकी इम्प्लीमेंटेशन, चाइल्ड मैरिज को बचाने के हवाले से, इस हवाले से हम इनसे दो तीन रिकमेंडेशंस लेंगे और देखते हैं कि ये क्या चाहते हैं, इनका ड्रीम विजन क्या है इस इशू को हल करने के हवाले से। भी मेरे साथ अभी मिलते हैं। अमरीन अजायब और रॉस मेहतानी आज हमारे साथ हैं, और एक से जुड़े दूसरा, दूसरे से जुड़े तीसरे मौजू पे बात हो रही है। इसलिए कि जब आप एक इंसान की खासतौर पे एक बच्चे के राइट्स के हवाले से बात करना शुरू करते हैं, और खासतौर पे उसका राइट टू डिसाइड अबाउट माय फ्यूचर, मैंने क्या करना है ज़िंदगी के अंदर, तो मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी बेड़ी है जो कि शादी की सूरत में, वैसे तो कुछ लोग ये कहते हैं बड़े होके भी शादी की जाए तो एक बेड़ी है, लेकिन बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादती की बात है कि उनके उनके साथ भी बड़ी। अच्छा जी, आखिरी सेशन है अमरीन, क्या दो तीन क्या ऐसे आप कोई रिकमेंडेशंस या ऐसे टिप्स, या कि एक आम हमारा जो व्यूअर इस वक्त वो बात सुन रहा है आपकी और इस इशू के हवाले से, व्हाट शुड बी डू? एक तो सबसे पहले तो शादी को ग्लैमराइज करना बंद करें, क्योंकि जो बच्ची है जैसे जो 14 साल की 13 साल की, उसको शादी में वो चीज़ नज़र आती है कि कलर्स हैं, दुल्हन हूँ, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, ढोलकी है, गाने हैं, ये सारी चीज़ें नहीं, लेकिन आपको पता है इस वजह से वो कन्विंस होके 14 साल की उम्र में शादी कर लेती है, यानी शी डजंट, वो जो उसका इन्फॉर्म्ड चॉइस है वो नहीं होती फिर, अगर वो इवन उससे चॉइस मांगेंगे तब भी वो नहीं करेगी, क्योंकि वो उस ग्लैमर को देख रही है, वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स को नहीं देख रही कि वो अभी चूंकि रेडी नहीं है तो वो कैसे करेगी। बचपन से वालदैन, तो दूर की बात, उस बच्ची से तो मेरा ख्याल है ये भी नहीं पूछा जाता कि तुमने किस रंग, exactly. वैसे आम जिंदगी में भी हाँ. कि तुम्हें खाने में क्या पसंद है, तुम्हें कपड़े कौन से पसंद है, तुम्हें जूता किस रंग का, नहीं, लेकिन वो अगर रेजिस्ट करना चाहेगी भी ना तो वो नहीं कर पाएगी। एक तरफ यानी दो चीजें, एक तरफ शादी इतनी ग्लैमराइज है, दूसरी तरफ स्कूल इतना बोरिंग है कि आपकी एजुकेशन इम्तिहान हमेशा स्ट्रेस के साथ, मुसीबत है, यूं लकीरें आ जाती है माथे पे एग्जाम्स के साथ जिक्र करके ना, आप इस चीज़ को कोई ग्लैमराइज नहीं कर पा रहा कि एजुकेशन कितनी एंजॉय, कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो फैमिली में हम बचपन से जब बच्ची को गुड़िया देते हैं तो साथ में वो गुड़िया की शादी, गुड़िया का घर, गुड़िया को दुल्हन बनाना, तो हम उसका एक्चुअली माइंड ही वो प्रिपेयर कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में बड़ों की बड़ी ज़रूरत है, जो घर के बड़े हैं, कि वो इन चीज़ों से हट के ज़रा उसको वो वाली चीज़ें भी दिखाएं कि उसकी फैंटेसीज अराउंड एजुकेशन वेरी नाइस डेवलप हो, जैसे कि वो हमारे बच्चों के सेगमेंट में भी हनांता बता रही थी हाँ, कि हाँ, वो अगर यूनिवर्सिटी अगर वो पढ़ेगी नहीं तो अपने अगले बच्चों को, कितनी इंपॉर्टेंट बात थी। फिर अगर अरफा करीम का जिक्र वो बच्ची कर रही थी, तो अगर वो इतनी छोटी उम्र में इंजीनियर बन सकती है तो हमारी बाकी बच्चियाँ क्यों नहीं बन सकती, देहात की बच्चियाँ क्यों नहीं जा सकती। उसमें बात सिर्फ इतनी सी है, उसने बड़ी उस बच्ची ने पते की बात की कि हम पाकिस्तान में जो ये अच्छी चीज़ें हैं ये हाईलाइट नहीं करते, इनको हम ग्लैमराइज करें, इनको हम पूरा एक इसका एक इमेज जो बनाएं, खूबसूरत इमेज, आपने ये इतना खूबसूरत सेट बनाया है और ये इसके कलर्स आई वाज लाइक लाइकिंग इट, तो मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, तो ये यकीनन आपने इसलिए इस पूरे शो का एक पूरा इंप्रेशन क्रिएट करता है ना ये सेट, ठीक है। इसी तरह से जब आप शादी को बहुत ग्लैमराइज कर देते हैं तो वो भी पूरा एक इंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, वो बच्ची रेजिस्ट कर ही नहीं पाती अगर वो करना चाहे। बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी बात है कि तालीम हाँ, और उसका करियर हाँ, या जिंदगी में और जो चीजें हैं exactly. शादी एक का एक वक्त है और उस वक्त पे उसको ग्लैमराइज करें, लेकिन उससे पहले उसके जहन में उसकी जहन की जहन साजी जो है वो उस हवाले से की जाए। रॉस, कुछ एक सवाल, जैसे पेरेंट्स ना बहुत छोटे बच्चों, अच्छा बच्चे तुम बड़े होके क्या करोगे, तो बेटी फौरन कह देती है मैं तो दुल्हन बनूंगी,
अब वो 4 साल की या 5 साल की बच्ची वालदैन हंसने लग जाते हैं इस बात पे, जबकि ये सवाल बड़ा गलत सवाल है। और अगर वो बच्ची ये दुल्हन बनने की बात करी है तो देन वालदैन के हंसने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है कि इसका मतलब है उसको और कुछ नज़र ही नहीं आ रहा सोसाइटी में जिस जो उसको बहुत सारे उसका फ्यूचर जो है वो ब्राइट कर सकता है। और अमरीन इसमें एक और चीज़ ये भी है कि अगर शुरू से इस बच्ची के जहन पे डाल दिया कि आपका अल्टीमेट गोल इन लाइफ दुल्हन बनना है, तो फिर अगर किसी वजह से शादी डिले हो रही है या नहीं हो पा रही तो वो सीरियस साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। 5 साल की उम्र से अगर मेरे जहन में है कि मैंने दुल्हन बनना है, दुल्हन बनना है, दुल्हन बनना है, तो फिर वो नफ्सियाती तौर पे कितना बुरा इंप्रेशन है कि अगर आप दुल्हन नहीं बने जिंदगी में तो इसका मतलब आपकी जिंदगी नाकाम हो। Exactly. रॉस, आप कोई रिकमेंडेशंस, कोई टिप्स? मेरी एक तो रिकमेंडेशन ये होगी कि 19 जून 2014 जजमेंट जो आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तसद्दुक जिलानी साहब चीफ जस्टिस साहब की उस वक्त की, वो एक हिस्टोरिक और लैंडमार्क जजमेंट है जो कायदे आजम साहब के विजन को रिफ्लेक्ट करती है। अगर उसकी ट्रू इम्प्लीमेंटेशन लेटर एंड स्पिरिट में हो जाए तो माइनॉरिटीज़ के काफ़ी इशूज़ और चैलेंजेस एड्रेस हो जाएंगे। सेकेंडली, जैसे कि पहले शो में भी बात हुई जनरल सीट्स की माइनॉरिटीज़ और वुमेन के हवाले से, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी ट्रेडिशन है वुमेन और माइनॉरिटीज़ को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए जनरल सीट्स पे, स्पेशली उन एरियाज़ पे जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, वहाँ पे टिकट्स दी जाएँ जैसे वो मेन स्ट्रीम में आएँ, स्पेशली माइनॉरिटी वुमेन विद इन माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और ज़्यादा थोड़ा पूरी सिंध असेंबली से तो वो वापस भेजा गया, तो मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है कि उसको वापस कंसिडर किया जाए और उसको जल्द से जल्द पास किया जाए। ग्रेट, रॉस एंड अमरीन, थैंक यू वेरी मच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज काफी डिफरेंट हवालों से बात हुई और मजा आया। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। हम आप सब चाहेंगे जनाब इजाजत, और जिंदगी ने दी इजाजत तो फिर आपके लिए एक और ब्रेकफास्ट एट होम का सेशन सजा के लाएंगे। ब्रेकफास्ट एट होम हमारा फेसबुक पेज, तौसीक है तो मेरा फेसबुक पेज, उस पर जाइए, इनबॉक्स कीजिए जिन इश्यूज़ पे हम यहाँ बात करते हैं। हमारा मकसद ये है कि आप सिर्फ ये बातें सुने नहीं बल्कि इनको दूसरों तक भी पहुँचाएं, और इस पर आपका अगर कोई ओपिनियन है तो हमें आप ज़रूर फीडबैक दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।